नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया और अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपके लेके आए हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके ट्रिपल सी एग्जाम में आए हुए थे। आपको बता दें, ये जो हमारा ट्रिपल सी का सेट है वो 59 है, यानी कि आपको हमने सेट नंबर 1 से लेके 59 तक सेट दे दिया है अभी तक, जो कि आपको हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ट्रिपल सी पूरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आपको प्लेलिस्ट में जाना है, ट्रिपल सी के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आपको 1 से लेकर 59 वीडियो अभी तक अपलोडेड मिलेगा। आप जाके उसकी तैयारी कर सकते हो और अच्छे ग्रेड से पास हो सकते हो। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया, आप यस ग्रेड ला सकते हैं और अच्छे नंबर्स से पास हो सकते हैं। चलिए, सीधी बात, नो बकवास, अपने हम क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, ईमेल अकाउंट का स्टोरेज एरिया जहां सभी मेल स्टोर होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अटैचमेंट या हाइपरलिंक या मेल बॉक्स या फिर एड्रेस। जैसे हम कोई भी ईमेल प्राप्त करते हैं तो वह ईमेल हमारे किस ऑप्शन में आता है, जो ऑप्शन सेक्शन दिखता है उसके अंदर किस में आता है वो बताना है। तो आपको बता दें, वो आता है मेल बॉक्स के अंदर। जो भी मेल रिसीव होता है वो मेल बॉक्स के अंदर ही आता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल का पहला भाग डॉट डॉट को बताता है। कह रहा है ईमेल का पहला भाग है वो किसको बताता है? तो ईमेल का जो पहला भाग है वो बताता है यूजर नेम को। जैसे हमारा नाम है श्यामजीत, तो अगर श्यामजीत ईमेल आईडी बनाएंगे तो श्यामजीत 123 कुछ नंबर लिखेंगे, उसके बाद @gmail.com लिखेंगे या फिर यहू लिखेंगे या फिर आउटलुक लिखेंगे, जिसमें हम बना रहे हैं। चाहे यहू बनाए तो यहू लिखेंगे, अगर आउटलुक बना रहे तो आउटलुक लिखेंगे, अगर हम जीमेल बना रहे जीमेल लिखेंगे। तो वही पूछ रहा है कि पहला भाग कौन सा होता है। तो पहला भाग हमारा होता है यूजर नेम। जैसे हमारा नाम हो गया तो यूजर नेम हो गया 123, ये यूजर नेम है। उसी से कोई भी सर्च करेगा तो पहले हमारे नाम से ही करेगा, हमारे यूजर नेम से ही करेगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ईमेल क्लाइंट है? तो आप बता दें ईमेल क्लाइंट क्या होता है। ईमेल क्लाइंट हमारा एक ऐसा मेलिंग का प्रोसेस होता है जो एक मेल से दूसरे मेल को कनेक्ट करता है, यानी एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट को कनेक्ट करने का काम करता है। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 सही है, आउटलुक। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हम ईमेल भेजने के लिए डॉट 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 बटन को क्लिक करते हैं। कह रहे हैं कि ईमेल भेजने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, किस पे क्लिक किया जाता है। तो आपको बता दें, आप फाइल अटैच कर रहे हो, मेल लिख रहे हो, पूरा सब कुछ कर दिए, उसको अटैच करने के बाद आप उसको सेंड पे क्लिक करके अगले के ईमेल के पास भेज सकते हैं, जिसका ईमेल आईडी आपने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट, प्राप्त मेल को किसी दूसरे को भेजने के लिए डॉट डॉट पर क्लिक किया जाता है, किस पर? तो आपको बता दें, जब आपके पास प्राप्त मेल आ जाता है, यानी मेल आ जाता है, आपको लगा कि मेल बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के पास भेजना चाहिए, तो आप उसको फॉरवर्ड करते हो किसी दूसरे के पास भेजने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 सही है। निजी सूचना का प्रारूप जो ईमेल में जोड़ा जाता है, निजी सूचना का प्रारूप जो ईमेल में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो आपको बता दें, उसे सिग्नेचर कहते हैं। जो ईमेल में जोड़ते हैं उसको सिग्नेचर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ईमेल एड्रेस info@xyz.com में यूजर नेम क्या है? तो आपको बताए थे यूजर नेम यहाँ पे इन्फो है। क्यों? क्योंकि इन्फो के बाद @xyz.com, यानी xyz क्या हो सकता है, यानी आप अगर यहू बना रहे हैं तो xyz की जगह यहू हो जाएगा, अगर आप जीमेल में बना रहे हैं तो @gmail हो जाएगा, अगर आप आउटलुक पे बना रहे हैं ईमेल तो @outlook हो जाएगा। तो ईमेल एड्रेस पे इन्फो आपका होता है यूजर नेम। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, UHID नंबर का फुल फॉर्म क्या होता है? UHID नंबर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको बता दें, UHID का जो फुल फॉर्म होता है, जो यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन होता है, इसमें होता क्या है, इसमें आपका जो भी बीमारियां होती हैं तो डॉक्टर क्या करता है, आपकी बीमारियों का जितना जांच है, दवा है, कितने महीने दवा चला था, कौन सा डॉक्टर था, वो पूरा मेंशन करता है आपके इस कार्ड में। अभी देखो, वर्तमान में जिस समय वीडियो बना रहे हैं उस समय वर्तमान में 2-3 महीना हुआ है, आभा कार्ड बन रहा है, वही आभा कार्ड का नाम है UHID, जिससे कि मरीज का पूरा पूरा विवरण रखा जाए। मरीज कभी बाद में बीमार हो, भविष्य में बीमार हो, तो मरीज से आपका वर्तमान पूछा जाए और पास्ट पूछा ना जाए, और पास्ट वो कार्ड से देख लिया जाए, कौन सी बीमारी हुई थी, कौन सी दवा चली थी, कौन चलाया था, और उसकी क्वालिफिकेशन क्या डॉक्टर की, इससे क्या होगा, अच्छा ट्रीटमेंट होगा। तो ये जो पहल है बहुत ही अच्छा है, बस ये शुरुआत हो जाए और ये लॉन्च किया जाए और चले तो बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर
सी सही है। निम्न में से कौन सा निःशुल्क वेब आधारित ईमेल सेवा प्रदाता है? कह रहा है कि इसमें से जो ना दो ऑप्शन है, इसमें से दोनों में से कौन ऐसा है जो निःशुल्क सेवा प्रदाता है, मतलब सेवा प्रदान करता है। तो आपको बता दें यहू भी है और जीमेल भी है और आउटलुक भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ दिया नहीं है, तो यहाँ फिलहाल में करेंगे ऑप्शन नंबर सी, बोथ, दोनों सही, यहू और जीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। G2G का पूरा नाम होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। आपको बता दें अगर एक गवर्नमेंट संगठन करके दूसरे कंट्री के गवर्नमेंट से संगठन बना के व्यापार करती है तो उसको बुलाता है G2G। ऑप्शन नंबर ए सही है। सो ये था आपका टोटल 10 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने साथ दोस्तों को शेयर करिए।